आप बहुत देर से माननीयों की बातों को सुने और आपने बहुत कुछ उनसे हासिल किया। मैं नहीं समझता हूं कि मैं और कुछ बोल के आपका वक्त जाया करूं और डबल डबल वही बात को मैं दोहराऊं, ये मैं मुनासिब नहीं समझता। लेकिन चूंकि नाम ले लिया गया है तो एक दो लफ्ज मैं भी बोल के अपनी जगह ले लूंगा। किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही थी, खामोश मिजाजी तुमको जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुमको जीने नहीं देगी, अगर इस दौर में जीना है तो कोहराम मचाओ। किसी शायर ने कहा था, आज एनआरसी और सीएए को लेके पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक डर और खौफ का माहौल बना हुआ है। हर फिरका, हर जात और धर्म के लोग परेशान हैं कि सीएए और एनआरसी को लेकर। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये बात पूछना चाहता हूँ कि आपके पास ये 3 साल पहले के राफेल डीलिंग के पेपर तुम्हारे पास से गुम हो जाते और 70 साल के पेपर आप हमसे मांगते कहाँ का इंसाफ हो। ताजी मती हैरत होती, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी सिक्योरिटी, आज तक आपने राफेल के पेपर को आपने क्लियर नहीं किया 3 साल पहले के, और ये बात बतला रहे कि पेपर गुम हो गए तो 70 साल पहले के पेपर कहाँ रहेंगे। हमारे दादा हुजूर एक बकरी पाला करते थे, मालूम है आपको, हमारे दादा एक बकरी पालते थे और बकरी हमारे घर के अंदर थी। गलती ऐसी हुई कि बकरी ने 70 साल पहले के डॉक्यूमेंट खा ली और उस बकरी को हमारे बाबा काट के खा लिए पेपर पहुंचे। समझ में नहीं आता, आपने नोटबंदी का हिसाब आज तक नहीं बतलाया, आज तक आपने नोटबंदी का हिसाब नहीं बतलाया कि आपको कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ, और आप हिसाब 2.5 लाख का हमसे मांगते। मोदी जी कहा कि इंसाफ की बात है, आप इस मुल्क के अंदर 2000 करोड़ के दंगे और फसाद के बाद से प्रधानमंत्री बनने तक आपको विदेश मंत्रालय ने आपको पासपोर्ट वीजा जारी नहीं किया, आप आरोपी है देशद्रोही यहाँ पे, और आप हमसे पूछते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की आवाम से और हर सेकुलर पार्टियों की सरकारों से अपील करता हूँ कि अपने अपने राज्य की विधानसभा में असेंबली में एक ऐसा बिल लाया जाए जहाँ पर मोदी शाह को तरी पार करने और सेंट्रल जेल में डालने का बिल पास किया जाए। ये जब तक मोदी शाह रहेंगे ये हिंदू मुसलमान चलते रहेगा। अगर ये मोदी और शाह को ही जैसा गुजरात हाई कोर्ट ने तरी पार किया, बेगैरत बेशर्म अमित शाह कहते हैं जिसको हाई कोर्ट गुजरात ने कहा कि तुम इतने दरिंदे हो कि तुम समाज में रहने के लायक नहीं है और तुमको यहाँ से तड़ी पार किया जाता है, आज वो शाह बतला रहे हम देश में रहेंगे या नहीं रहेंगे। ना इंसाफी की भी एक हद होती है, और आपको एनआरसी और सीए को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। अब तक हमारे सेकुलर मुख्यमंत्रियों ने, मैं बड़े मान और सम्मान के साथ कहता हूँ, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने मुस्लिम समाज से ये बात कही कि महाराष्ट्र में एनआरसी लागू नहीं होगी। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ ये कहता हूँ और हमको गर्व है हमारे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री के ऊपर कि उन्होंने मुस्लिम के साथ साथ सभी समाज के धार्मिक भावनाओं को सम्मान देते हुए, मान देते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एनआरसी लागू नहीं होगी और 7 राज्यों के अंदर एनआरसी लागू नहीं होगी। अगर हम बार बार सड़क पर उतरेंगे, रोड पर उतरेंगे, तो इंशाल्लाह ये सीएए और एनआरसी का बिल ये मोदी और शाह को वापस लेना पड़ेगा और देश की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी उनको। और उस वक्त तक जब तक ये मोदी शाह अपना एक कदम पीछे नहीं लेते, हर बार हमको एक कदम आगे लेना है। क्या आप इसके लिए तैयार है? आपको बार बार धरना करना पड़ेगा, करेंगे, रोड पर निकलेंगे, आंदोलन करेंगे, संविधान को बचाने की कोशिश करेंगे। हमारी लड़ाई किसी धर्म के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई संविधान के विरोधी लोगों के साथ है। जो जो संविधान विरोधी है वो देश का भी दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है।